प्रणाम, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। हाँ, एक्चुअली मैं एक्टर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हूँ। मेरा बचपन से ऐसा नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है और एक्ट्रेस बनना है और मुझे बहुत फेम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। मैं सिर्फ काम करने इस इंडस्ट्री में आई हूँ। आई थिंक ये एडेड एडवांटेज है कि अगर लोग मुझे जानते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक्टिंग करने आई थी तो ऐसे, और मुझे लगता है ये बहुत टाइम वेस्ट होता है विवादों में रहना। सिर्फ मैं एक न्यूज़पेपर नहीं बनना चाहती लाइफ में कि लोग पढ़ें और नेक्स्ट डे फेंक दें से न्यूज़ रीड करके। आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी लाइक अ बुक जो लोग बाद में भी याद रख सकें कि इसने ये काम किया था। अभी तक मुझे आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं है कि मेरा काम याद रखा जाए, लेकिन एक कोशिश तो जारी है और मैं करना चाहती हूँ अंदर से है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूँ जो दुनिया को हमेशा याद रहें। मैंने बताया कि जैसे साउथ और नॉर्थ में बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट के लोग रहते हैं, तो वही जैसा उनके सबके माइंडसेट डिफरेंट थे, तो मेरे मैंने हर मोड़ पे सीखा। अलग अलग तरह के लोग थे, कई बहुत पैशनेट थे, कई काम में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, फालतू की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते थे। तो हर जगह होते हैं वैसे लोग, ऐसे नहीं कह सकते कि पंजाब में नहीं हैं और ऐसे नहीं हैं। फालतू की चीज़ें थी क्या मेरे को थोड़ा? वो आप जानते हो हर लड़की को कैसे अप्रोच करते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, फिर कई लोग ऐसे ही देखते हैं। आप बात कर रही हैं गलत नज़र की, या एक तरीके से यौन शोषण जो अलग अलग तरीके से देखकर भी, और जी इसकी बात कर रही जी। और एक ये कारण भी था कि मैंने साउथ इंडस्ट्री में काम करना क्यों छोड़ा। साउथ में क्या ये बहुत ज़्यादा होता है? इतना ऐसे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसे कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन एक माहौल जब ऐसा होता है तो काम करने को दिल नहीं करता। जब तुम्हारे को तुम्हें पता है कि सामने वाला अंदर से मन में क्या चाहता है और किस नज़र से देख रहा है तुम्हारे को, चाहे उस वैसे तुम्हारा स्टेटस के अकॉर्डिंग या ऐसे कोई बदतमीजी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता, लेकिन तुम्हें उसका वो पता होता है, वो बातों बातों में समझ में आता है। तुम एक कई बार तुम करियर के ऐसे स्टेज पे होते हैं। व्हेन आई एंटर्ड आई वाज जस्ट गेटिंग टू नो द इंडस्ट्री कि ये काम कैसा चलता है, इनका कैसे काम करते हैं, मे बी सब ऐसे होते हो। तो ऐसा मुझे, मैं एडजस्ट हो रही थी और जो मुझे लगता था कि ऐसे लोग हैं तो मैं काम करने से मना कर देती थी। मेरी पहली फर्स्ट कंडीशन ही ये होती थी कि ये जो अच्छे उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं मैनेजर से अपने सब वो करती थी कि अच्छा डायरेक्टर, और बात करने से भी पता चल जाता है कि कैसे पैशनेट हैं। या तो पहले मैं, फिर इतने सारे प्रोजेक्ट मैंने इसलिए छोड़ भी दिए साउथ इंडस्ट्री में क्योंकि ऐसे लोग होते थे। लेकिन कई, जैसे मैंने फर्स्ट बताया विष्णुवर्धन हमारे फर्स्ट वो डायरेक्टर थे, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। तो मुझे अच्छे लोग भी मिले, ऐसे लोग भी मिले। आई प्रेफर्ड, उन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है जब तुम्हें पता है कि तुम अवॉइड कर सकते हो। वो मेरी सिक्योरिटी इस वजह से थी बिकॉज आई एम क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैंने उसके बाद भी मैं पढ़ती रहती थी। जब मैं साउथ में मूवीज़ कर रही थी तो मैं MA कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर एंड ड्रामा में, तो मेरे को एक सिक्योरिटी थी कि मुझे नॉनसेंस नहीं एक्सेप्ट करनी है लाइफ में। अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी इंडस्ट्री और कोई जॉब कर लूँगी। लेकिन जो लड़कियाँ एक ऐसे यंग एज में आ जाती हैं, 15-16 साल की उम्र में बॉम्बे आ जाती हैं और उनको काम नहीं मिलता, फाइनेंशियली बहुत इनसिक्योर होती हैं और सोचती हैं कि किस मुँह से हम वापस चली जाएं, तो वो लोग इसी इनसिक्योरिटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। टचवुड, मैं अपने माँ बाप को बोलती थी कि क्या वो क्यों पढ़ाया मुझे इतना, मैं बाकी की चीज़ें सीखती, म्यूज़िक डांस ये सब चीज़ों पे फोकस करती, मैं एक्ट्रेस हूँ, अब सीख रही हूँ बड़े होने के बाद, आपने मुझे बचपन में इन चीज़ों को क्यों नहीं फोकस करने दिया। तो वो हमेशा उन्होंने पढ़ाई में क्यों इंसिस्ट किया, क्योंकि अब मुझे पता चला कि एक तो तुम मेंटली मैच्योर होते हो, और मैं हर किसी, कोई मुझे बोलता है सलाह देने के लिए तो मैं यही बोलती हूँ हर बच्चे को कि कुछ ना कुछ टैलेंट, अगर आपको पढ़ाई इतनी पसंद नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ आना ज़रूरी है ताकि तुम अपना
खुद से कमा सको, पैरों पे खड़े हो सको। तो इस वजह से मैंने कभी नॉनसेंस नहीं लिया लाइफ में, क्योंकि मैं मेंटली बहुत सिक्योर थी। मेरी मैं बताऊंगी तो पता चल जाएगा। जैसे मेरी फर्स्ट मूवी थी, जैसे मैं आई वॉज वेरी बैड इन रोमांटिक सीन्स, तो मेरे को डायरेक्टर ने बोला कि आप यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, यू आर लुकिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, ऐसे नहीं करते। तो जब वो मुझे एक्सप्लेन करने आते थे तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये मुझे बता रहे हैं कि एक्चुअली ही इज़ ट्राइंग टू टच मी। और वो तुम्हें ना समझ नहीं आता कि व्हेन दे क्रॉस देयर लाइन और कब वो होता है। तो मैं बोलती थी नहीं नहीं हाँ समझ गई आई विल डू इट नाउ, नहीं वो जानबूझ के। अब मुझे पता लगता है कि वो ना कई बार ऐसा ठीक भी सीन होता था जानबूझ के, मज़े लेने के लिए, कि बोलेंगे नहीं 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 कट अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करो ऐसे करो। दे वॉन्ट टू सी दैट थिंग अगेन एंड अगेन अपने मज़े लेने के लिए। हाँ ये भी ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी मूवी छोड़ी थी। जब मेरी फर्स्ट मूवी एक बहुत बड़ी हिट थी तो मुझे सेकेंड मूवी में वेट कर रही थी कि इसके बाद में अच्छे और डायरेक्टर के साथ, देन ही वॉज इवन बिगर डायरेक्टर। तो फिर हम जब ऑडिशन नहीं होता, वहाँ पे लुक देखते हैं कि कैरेक्टर की लुक में तुम फिट बैठते हो कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कॉस्ट्यूम दिया, आई वॉज लुकिंग वेरी नाइस इन देयर तमिल इंडियन कॉस्ट्यूम्स में, मैं बहुत अच्छी लग रही थी। देन स्टाइलिस्ट जो है फिर वो बिकिनी ही उठा के आ गई, जैसे अब आप ये नेक्स्ट चेंज आपका ये है। सर आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, वहाँ फोटोशूट चल रहा है, मैं ऐसे जाके नहीं वो डालूंगी। तो फिर मैंने डायरेक्टर से बात किया, जैसे हमने बीच पे गाना शूट करना है। तो मैंने बोला कि बीच पे वो और एटमॉस्फेयर होता है, नॉट दैट 20 पीपल आर स्टैंडिंग, आई विल सेंड यू पिक्चर्स, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं वो डाल सकती। कभी कोई बीच वाला जो आदमी होता है वो कभी बोलता है कि आप मैडम आप तो जानते हैं, सबसे बीच वाले ही सबसे गंदे होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, इसलिए बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स पिम्प की जैसे काम करते हैं इंडस्ट्री में, उन्हीं की वजह से। ये जो मेरे माँ बाप डरते थे कि हम एक्टिंग में मुझे नहीं भेजना चाहते थे, उनका सबसे बड़ा डर यही था, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। हाँ कोई साफ तरह से ऐसे बोलते हैं, मैडम ये तो आम बात है, ये तो सब चलता है, इसके बिना नहीं होता, ये है वो है। तो मैं बोलती हूँ मैं आज तक तो ऐसे काम करती आ रही हूँ, अगर तुमने डेस्परेशन दिखानी है, और मैं सबको बताना चाहती हूँ इन चीज़ों से कभी कुछ नहीं होता। जो इंसान 5-10 करोड़ लगा के मूवी बना रहा है तो वो चीज़ बाहर से भी बाय कर सकते हैं, किसी कोई अपनी मूवी इस वजह से बर्बाद नहीं करता। वो उसी को ही लेते हैं जिस कैरेक्टर वो, अगर वो कैरेक्टर पे सूट करती है या उसकी मार्केट में बिकती है उनसे उसकी मूवी, ऐसे कोई नहीं ले लेता कि कोई तुम्हें उसको खुश कर दोगे तो ऐसा है। तो लड़कियां इनसिक्योर हो जाती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टॉप ऑल दिस थिंग, अपनी इनसिक्योरिटी अपनी उस वीकनेस से उनको खेलने मत दो, बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कोई तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, तुम हार्ड वर्क करोगे काम आज ये छूटेगा दूसरा मिल जाएगा, लगे रहो काम करते रहो, अच्छे लोग भी मिलेंगे उनके साथ काम करो, लेकिन इन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी ख़राब करके। और एक ना बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, एक आई डोंट नो आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि किसी इंसान, ये नेगेटिव लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनके साथ काम खत्म करके यू शुड नॉट बी पर्सनल टू देम। अगर कोई लगता है ऐसा है इंसान, ओके काम करो और ज़्यादा उनसे वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर काम नहीं करना तो इफ़ यू कैन अवॉइड यू कैन जस्ट लीव इट, डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो